वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। बेटा आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 2 से समझाऊंगा। देखिए ध्यान से बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने प्रीवियस डे पे होमवर्क में दिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल इफ़ 1 पेंसिल कॉस्ट ₹0.35। 9 पेंसिल्स की क्या कॉस्ट होगी, 1 पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको एक चीज बता दूं बेटा कि जब भी किसी एक आइटम की कॉस्ट दी हो और ज़्यादा का पूछ रहा हो तो उस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई करना होता है। उसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे आप एक पैकेट पार्ले जी बिस्कुट लेने गए और वो 2 रुपीज़ का है और आपको 6 पैकेट लेना है तो आप दुकानदार को कितना दोगे। 1 पैकेट की कॉस्ट दी है कितनी, 2 रुपीज़, और 6 पैकेट लेना है तो आप तुरंत उसको जो है 6 × 12 रुपीज़ काउंट करके दे देते हो। मल्टीप्लाई किए ना कि कितना पैकेट लेना है, 6 पैकेट लेना और 1 पैकेट की कॉस्ट 2 रुपीज़ है। तो वैसे ही यहाँ पे गिवन है बेटा, 1 पेंसिल कॉस्ट ₹0.35 और 9 पेंसिल की निकालनी है तो क्या कर देंगे, 9 का 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ₹3.15 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पोस्ट कार्ड एट ₹0.15 ईच। ईच लिख दिया है, याद रहे ईच का मतलब क्या होता है कि 1 पोस्ट कार्ड की कॉस्ट दी है ₹0.15। तो लिख देंगे 1 पोस्ट कार्ड कॉस्ट इक्वल टू ₹0.15 और कितने का पूछ रहा है, 1 डजन। 1 डजन की कॉस्ट पूछ रहा है, 1 डजन। 1 डजन में कितना पीस होता है बेटा, 12 पीस। तो राइट कर देंगे 1 डजन 12 पीस पोस्ट कार्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 0.15 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई जो करोगे बेटा तो आएगा आपका ₹1.80 और यह क्या होगा, आंसर। मल्टीप्लाई याद रहे कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में यहाँ 2 डिजिट बार पॉइंट है तो आप आंसर में भी 2 डिजिट बार पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में भी क्वेश्चन है बुक में आपके, रजाक अंश ₹35.50 अ डे, मतलब एक दिन में रज्जाक 35.50 रुपीज़ अर्न करता है, कमाता है, तो हाउ मच विल ही अर्न इन अ मंथ और वन मंथ में कितना डेज होता है, 30 डेज में वो कितना अर्न करेगा। तो क्या कर देंगे बेटा, 35.50 में टोटल डेज कितना है, 1 डे का दिया है और कितने का पूछ रहा है, 30 का पूछ रहा है, 1 का दिया है ज़्यादा का पूछ रहा है। और जब भी 1 की वैल्यू दी हो और ज़्यादा का वैल्यू पूछे तो आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 35.50 में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 106.500, यही क्या होगा, आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या है। ईच बेंगल कॉस्ट ₹33.25, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ बेंगल। तो एक बेंगल ईच मतलब पर एक, प्रत्येक पीस, एक बेंगल की कॉस्ट दी है और पेयर ऑफ बेंगल की कॉस्ट पूछ रहा है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो बेटा ईच बेंगल कॉस्ट मतलब बताया था आपको, 1 बेंगल की कॉस्ट दी है, ईच बेंगल कॉस्ट इक्वल टू 33.25, कितने की पूछ रहा है, पेयर का। सो कॉस्ट ऑफ अ पेयर, एक पेयर में कितना पीस होता है, 2 पीस होता है, 2 पीस ऑफ बेंगल्स इक्वल टू, तो 1 का दिया 2 का पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 33.25 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 66.50, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, मतलब पेयर ऑफ बेंगल की कॉस्ट यही होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 6 बैट्स एट ₹45.75 ईच। यहाँ भी बेटा क्या दिया है, 45.75 ईच। ईच मतलब एक बैट की कॉस्ट दी है, 1 बैट की कॉस्ट दी है और कितने का पूछ रहा है, 6 बैट्स की कॉस्ट आपसे पूछ रहा है। आपको बताया बेटा 1 बैट की कॉस्ट दी है, 6 का पूछ रहा है, तो पहले लिख देंगे 1 बैट कॉस्ट इज इक्वल टू जो वैल्यू दी है 45.75 दी है, उसे राइट कर लेंगे और
आपसे सिक्स बैट की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सिक्स बैट्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे, गिवन वैल्यू में सिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वन की वैल्यू दिया है और सिक्स का पूछ रहा है, एक का दिया है ज़्यादा का पूछ रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 45.75 में जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 274.50 रुपीज़, और यही क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन में भी आपके लिखा एन आर्म चेयर कॉस्ट इज इक्वल टू 95.25, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 16 आर्म चेयर, तो वन आर्म चेयर की कॉस्ट दी है, हमने स्टेटमेंट भी लिखेंगे कि एन आर्म चेयर कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 95.25, सो कॉस्ट ऑफ 16 आर्म चेयर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 95.25 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वह होगा आपका आंसर। मल्टीप्लाई आप जैसे करते हो वैसे ही करेंगे। एट नंबर देखिए, एट नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, What must be paid for 36 pairs of shoes priced at 238.99 a pair? एक पेयर की कॉस्ट दी है शूज के, एक पेयर की कॉस्ट दी है 238.99 है, 16 पेयर ऑफ शूज की कॉस्ट आपको बतानी है। यहाँ भी एक का दिया है और 36 का पूछ रहा है, एक का दिया है ज़्यादा का पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करते हैं, तो दिया हुआ बेटा कि अ पेयर शूज प्राइस इज इक्वल टू 238.99, सो कॉस्ट ऑफ 36 पेयर्स ऑफ शूज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 238.99 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 238.99 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी, यहाँ क्रॉस करते हैं, इस पूरे की वैल्यू जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी, फिर क्या कर देंगे बेटा, इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, प्लस करने पर आपका आंसर आएगा 8603.64 रुपीज़, और यही क्या होगा आपका आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, जॉन स्पेंड्स रुपीज 2.50 अ डे ऑन हिज टिफिन, अपने टिफिन पे कितना खर्च करता है 2.50 रुपीज एक दिन में, हाउ मच विल ही स्पेंड टिफिन इन अ वीक, एक वीक में, वन वीक में वो कितना खर्च करेगा। अब ध्यान रहे बेटा, वन वीक में कितना डेज होता है, तो वन वीक में क्या होता है, 7 डेज होता है। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे जॉन स्पेंड्स ऑन हिज टिफिन ऑन अ डे इज इक्वल टू 2.50 रुपीस, सो ही विल स्पेंड फॉर हिज टिफिन, अपनी टिफिन के लिए वन वीक इज इक्वल टू 7 डेज, क्योंकि एक का दिया है और कितने दिन का पूछ रहा है, 7 डेज का पूछ रहा है, इसलिए जो वैल्यू होगी उसमें 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वन डे का दिया है और 7 डेज का हम लोग निकाल लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.50 आएगा बेटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे और यही क्या होगा आपका आंसर। तो फाइनली ये ध्यान रखें कि जब एक का दिया हो और ज़्यादा की वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है बेटा, तो 2 to 9, क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक आप अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।